नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं उत्तम नगर में और यहाँ पे एक पब्लिक स्कूल है जहाँ पे एक वैक्सीनेशन का काम चल रहा है ये बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा। अब जैसे कि आपको पता है पुलकित शर्मा जी द्वारा यहाँ पे एक तरह तरह के जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ वैक्सीनेशन का भी काम काफ़ी लंबे समय से जारी है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये वैक्सीनेशन कब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और कब तक रहेगा, लोगों को और आसानी कितनी सुविधा मिल रही है उत्तम नगर वासियों को यहाँ के लोग। तो यहाँ पे कुछ लोग इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा। सर, तो आप यहाँ पे क्या पोस्टिंग है आपकी? मैं ये सबको देखता हूँ। अच्छा, इनका हाँ, हैंडल आप ही करते हो? हाँ जी। तो पार्टी कब से स्टार्ट हुआ था ये वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन हुआ था 21 सितंबर से, तब से लगातार ये चल रहा है। कम से कम 34,000 के करीब हम कोविशील्ड लगवा चुके हैं और 5,500 के करीब बच्चों की और बूस्टर वगैरह लगवाया हमने। अच्छा, तो आपने आंकड़े जो है इन्होंने बताया कि 34,000 कोविशील्ड लगाए गए और 5,500 कोवैक्सीन, जिसमें बड़े बूस्टर भी है, बच्चों की भी है। तो बीच में लगभग एक दिन में कितने लोग आ जाए करते थे यहाँ पे? एक दिन में तो शुरू में तो 400-500 लोग भी आए हैं, अभी भी लगातार 200-150 लोग डेली आ रहे हैं। तो लोग आसानी से, आप तो देखा जाए तो अब बुजुर्ग के लिए भी वैक्सीन आई है तो वो लग रहे हैं अभी? हाँ जी, बूस्टर भी लग रही है, मतलब वो 5,500 बच्चों की और बड़ों की 60+ और 90, वो मिला के 5,500। ये बूस्टर डोज कब से लग रही है? ये बूस्टर डोज अभी डे जब से लगी है कोवैक्सीन तब से लगा। हाँ जी, हाँ जी, अभी से। अच्छा, और बच्चों के लिए भी लग रही है? बच्चों के लिए भी लग रही है। तो देखा आपने जो यहाँ पे हैं, यहाँ के लोग भी है यहाँ, और जो वैक्सीन लगवाने हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो कल यहाँ पे आए हैं, उनको क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये लाइन है? ये लाइन है जी। अच्छा, ये वैक्सीनेटर है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जो लाइन है, पहले यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह का, उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एंट्री होती है। हाँ, ओके। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने हैं उनसे बात करेंगे एक बार। क्या नाम है आपका? कार्तिक वाले। आप वैक्सीन लगवाने आए हो? हाँ जी। कौन सी डोज है आपकी? सेकंड डोज है आपकी। तो यहाँ पे कब, किस टाइम आए थे? अभी लाइन लंबी लगानी पड़ी आपको? नहीं, 15 मिनट पहले आ गए। 15 मिनट में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, फटाफट काम हो रहा है। हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? कोमल। तो आप कहाँ ड्यूटी करते हैं अभी? राज मंदिर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले आपने अपॉइंटमेंट लिया था क्या? हाँ जी, नहीं अपॉइंटमेंट कुछ नहीं लिया था, फर्स्ट डोज भी एक मतलब 5-10 मिनट में लगी, तो सेकंड डोज में भी कोई टाइम नहीं लगा। अच्छा, कौन सा डोज आपका? सेकंड डोज है, मतलब टाइम बहुत बच रहा है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पहले जैसा था लाइन में सुबह से शाम हो जाती थी, वैसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा फर्स्ट डोज में भी नहीं होता, सेकंड डोज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलो, तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, आपको भी दिखाया कि क्या माहौल है और लोग भी कैसे वैक्सीन लगवा रहे हैं, किसी की पहली है, किसी की दूसरी है, लेकिन जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं और 10 मिनट में ही इनका काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब इनको ये नहीं है कि सुबह आए, लाइन में लगाए, अपॉइंटमेंट लें, फिर भी लाइन लगाना पड़ता है, यहाँ पे आसानी से इनका काम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये मुहिम है जो कि शुरू से चलता आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि शुरू से ही जब से खड़ी हुई है, लोगों के हित में ही खड़े हुए हैं, लोगों की मदद करने के लिए ही उतरे हैं। और अब पहले लोग ज़्यादातर लाइनें लगती थी 200, 300, 400, 500, 1,000 की भी लाइन लगती थी, लेकिन इन्होंने हर स्कूलों में, छोटे छोटे स्कूलों वहाँ भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और टाइम की जो बचत है वो भी हो रही है। लोग अपना काम छोड़ के नहीं आते, 10 मिनट का ब्रेक लेके आते हैं और इनका वैक्सीनेशन का काम कम्प्लीट हो जाता है। बने रहे आप युवा की आवाज़ के साथ। नमस्कार, मैं मुख्तार, धन्यवाद।